फिर फरमाया एक बात हम तुम्हें तुम्हारे बाहर कायनात के अंदर एक बात बताते हैं, अलम यराओ इलत्तैर, बहुत जबरदस्त आयत है मुबारक है, अलम यराओ इलत्तैर मुसख्खरातिन फी जव्वि समा, क्या लोगों ने देखा नहीं परिंदे मुसख्खरात 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 हैं, मुसख्खर हैं, पाबंदे हुक्म हैं, कहां फी जब विस्समा फजाए आसमानी में। एक बात तो बताओ तुम क्या समझते हो कि इनके परों ने इनको रोका हुआ है, मा युम्सिकुहुन्न इल्लल्लाह, ये जो फजाए आसमानी में ठहरे हुए हैं रुके हुए हैं इनको नहीं रोक रखा मगर अल्लाह ने। जब सबब से नजर गुजर कर मुसब्बिबुल असबाब तक जाती है तो ईमान मुकम्मल होता है। आमतौर पर हमारी निगाह इसी पर होती है कि ये जी पर हैं जिनसे उड़ रहे हैं, क्यों भाई यही है ना कि ये परों के साथ उड़ रहे हैं, बजाहिर पर तो उनके हैं। आप छोटे छोटे परिंदे देखें फिर बड़े बड़े परिंदे देखें, छोटे परिंदे भी देखें और बड़े परिंदे भी देखें, अत्तईर में सब कुछ है ना। छोटे छोटे परिंदे ये जो चिड़ियां हैं छोटी छोटी, ये 1 मिनट के अंदर ना जाने कितने 100 पर मार देती हैं, जो बड़े परिंदे हैं वो ऐसा नहीं करते। बिल्कुल है नहीं, वो समेटे होते हैं, बिल्कुल पर उनके समेटे हुए हैं और फिजा में हैं, है जी ऐसा भी है। फिर जितनी फुर्ती से वो नीचे आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, और जितना उनका कंट्रोल है, यही चीज अल्लाह पाक फरमाया मा युम से कहुन्ना, नहीं रोक रखा इनको मगर अल्लाह ने। अब ये कौन समझेगा, इन नफी ज़ालिका लआयातिल कौमी युमिनून, बेशक इन इनके अंदर इनको रोक रखने में और इनके उड़ने में और इनके फजाए आसमानी में ठहरे रहने में इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो तुम्हारी समझ से नहीं है, आप अपनी समझ से नहीं इसको ऐसा कर सकते है ना जी। तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम कुरान मजीद के आयात के जरिए, आयात तिलावत आयात का मतलब, काश आप कुरान मजीद के समझाने के लिए मुझे आपको किसी दूसरी जुबान का सहारा ना लेना पड़े, जो लुत्फ उसके अपने लफ्जों में है जी। यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सारी जिंदगी आप गुजारते हैं लेकिन कुरान मजीद के साथ वो हमारा ताल्लुक नहीं है, हम इतना वक्त नहीं लगाते, इतनी मेहनत नहीं करते उस पर कि जिससे हम कुरान मजीद को, जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं उन्हीं की जुबान उसी जुबान के अंदर समझ सके, जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसका एक अपना हुसन है, वो तो उसका तो मुतबादल है ही नहीं ना, क्यों भाई उसका तो कोई मुतबादल है ही नहीं है। कलाम है खुद बारी ताला का कलाम है, और फिर जब इंसान उसको समझता है तो फिर ऐसे होता है कि जैसे दिल पर नुजूले किताब हो रहा है, दिल पर नुजूले किताब हो रहा है।